हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। आज हमारे चैनल WXYZ ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लेमिनेशन मशीन से कौन कौन सी चीज़ जिसको हम लेमिनेट कर सकते हैं, या फिर इसके कौन कौन से भाग हैं जो हमारी सहायता करता है, उसके बारे में आपसे बातें करेंगे। आइए जानते हैं आप इस मशीन से किन किन चीज़ों को लेमिनेट कर सकते हैं। A4 साइज, A3 साइज, मार्कशीट साइज, आधार कार्ड और ID को आप लेमिनेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस मशीन में फ़ोटो को भी लेमिनेट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर 3 बटन दिख रहा होगा, ऑन ऑफ, फॉरवर्ड, रिवर्स, पोर्ट कोड। ये 3 बटन का मुख्य काम सिस्टम में बहुत ही ज़रूरी है। ऑन ऑफ, अगर सिस्टम को चालू या बंद करना हो तो हम ऑन ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर सिस्टम में किसी तरह का पास फंस जाए या फिर लेमिनेशन करते समय लाइन कट जाए तो रिवर्स और फॉरवर्ड बटन का प्रयोग करते हैं। हॉट कोल्ड, अगर इस सिस्टम से हम लगातार काम ले रहे हैं और वह बहुत अधिक गर्म हो जाता है और ऑटो कट नहीं हो रहा है, तब हम कोल्ड बटन का प्रयोग करते हैं। उसके बगल में यह एक मीटर दिया हुआ है जिससे हम तापमान को सुनिश्चित करते हैं। जब हम किसी पेपर को लेमिनेट करते हैं तो इसके लिए पाउच के थिकनेस के हिसाब से उसमें मीटर के द्वारा उसके तापमान को सुनिश्चित करते हैं। यह मीटर हर पाउच के लिए अलग अलग तापमान को निश्चित करता है। उसके ऊपर में 2 लाइट दिया हुआ है, एक रेड एक ग्रीन। जब हम सिस्टम में पावर देते हैं तो यहाँ रेड लाइट जलती है और उसके बाद जब हम सिस्टम में पावर देने के बाद सिस्टम लेमिनेशन के लिए तैयार हो जाता है तो ग्रीन बटन जलती है। इससे हमें मालूम चल जाता है कि यह है सिस्टम लेमिनेट करने के लिए तैयार हो गया है। और यह एक अंतिम और ख़ास रोल है जिसे हम रोल कहते हैं। यह जब भी सिस्टम में लेमिनेट करते समय अचानक से लाइट चली जाए या फिर इस सिस्टम के अंदर पाउच फंस जाए, तब रिवर्स बटन का यूज करते हुए इस रोल का यूज करते हैं जिससे कि पाउच बाहर आ जाए। आप इस छोटे से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।